तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं इस नाश्ते को। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बनता है, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए ये एक कटोरी चावल और चना का दाल और दलिया। तो दलिया आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप दलिया यूज़ करें। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बस चावल से भी रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दलिया तो गेहूँ का होता है, अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पैन चढ़ा लिया, पैन गर्म हो चुका है, यहाँ पर हम चावल ऐड कर देते हैं। और चावल ऐड करके हम यहाँ पर अपने दाल भी ऐड कर लेते हैं, और जो हमारा दलिया है उसको भी ऐड कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद धीरे धीरे इसको हमें भून लेना है, तो इसको हमें एक मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ पर हम रेगुलर अच्छे से इसको एक मिनट तक भून लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक मिनट भूनने के बाद, यहाँ एक मिनट भून चुका है, तो यहाँ पर हमें तीन गोटे लाल मिर्च ऐड करना है और इसको लगातार 5 मिनट तक आराम से भूनना है। तो इसको जल्दी से हम भून लेते हैं। यहाँ पर देखिए भून चुका है, कलर भी हल्का आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक मिक्सी जार लेके इस सारे इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लेना है, जब ये ठंडा हो जाए तभी हमें मिक्सी जार में इसको ऐड करना है, उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हमने ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही ग्राइंड किया है। तो यहाँ पर हमें एक बाउल में इसको ले लेना है। बाउल में लेने के बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है यहाँ इसमें एक कटोरी दही। तो आपके पास अगर दही ना हो तो आप दही को स्किप कर सकते हैं, इसके जगह आप पानी को भी यूज़ कर सकते हैं दोस्त। तो अगर आपके पास दही नहीं हो तो आप बस सिर्फ पानी से भी इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दही से मिला लिया है, इसमें हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम पानी से भी इसको अच्छे से डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों। अच्छे से हमें इसको मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने मिला चुके हैं, तो अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए दोस्तों हम इसको ढक के छोड़ देंगे, ताकि और बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी तो पता चलेगा कि रेसिपी इतनी टेस्टी कैसे बनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया और प्याज, ये हमें हल्के हल्के छोटे छोटे पीसे में काट के इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करना है हल्दी, फिर गरम मसाला यहाँ पर हमें ऐड करना है। जल्दी से गरम मसाला ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर नमक ऐड करना है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा। उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। कि दोस्तों हम यहाँ पे मिला चुके हैं पूरा अच्छे से, तो इतने बड़े बड़े हम यहाँ पे पेड़े ले लेने हैं और इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। हम यहाँ पर कटलेट का शेप दे रहे हैं, तो आपका जो मन हो उस शेप को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कटलेट का शेप दे रहे हैं दोस्तों। जल्दी से देखिए ऐसे ऐसे करके हमें कटलेट बना लेना है। देखिए ऐसे सारे हमें ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी देखने में ही, खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम पैन चढ़ा लेते हैं, पैन गर्म हो चुका है, तो ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड करना है। उसके बाद इसको अच्छे से फैला लेना है। फैलाने के बाद यहाँ पर अपने कटलेट को ऐड करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। तो ऐसे हमें हल्के हल्के तेल में फ्राई कर लेना है और इसको उलट पलट के अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है दोस्तों। दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।